हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, क्या हिमांशी खुराना और असम रियाज के बीच हुई लड़ाई? जी हाँ, पोस्ट तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। वेल, एक पोस्ट ने इस लड़ाई का हिंट दे दिया है। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल फिल्मी बीट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ हिमांशी खुराना और असम रियाज के रिश्ते के बीच में। तो बिग बॉस 13 के कपल असम रियाज और हिमांशी खुराना की दुनिया दीवानी हो चुकी है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत बिग बॉस के घर में हुई थी, तभी से फैंस इन दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो गए। लेकिन अब लगता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही है। कम से कम इस जोड़ी के पोस्ट से तो यही पता लग रहा है। हिमांशी खुराना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक फोटो की है जिसमें वो बता रही हैं कि रिश्ते की शुरुआत में लड़के कैसे होते हैं और अब क्या हाल हो गया है। फोटो में आपको एक क्यूट खरगोश और एक गुस्सैल खरगोश देखने को मिल रहा होगा। फोटो में लिखा है कि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तब और अब जब वो मेरे साथ है। वेल, इस फोटो को देखकर तो लग रहा है कि असम पर किसी बात का टॉन्ट कसा जा रहा है। वहीं असम ने भी इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है और इस फोटो में लिखा है कि गलती उसकी होगी, आप उस पर गुस्सा करोगे, फिर वो रोने लगेगी, फिर आप उसको मनाओगे, फिर पूरी गलती आपकी होगी। कैप्शन में असम ने लिखा है, ये बिल्कुल सही बात है। वेल, असम रियाज के इस पोस्ट पर बिग बॉस 13 के उनके को कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह ने भी कमेंट पर मजे लिए हैं। विशाल ने लिखा है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। इसके जवाब में हिमांशी ने लिखा है, मुझे पूरा यकीन है आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इस बात से ही साफ हो जाता है कि हिमांशी असम से किसी बात को लेकर नाराज होती हुई दिखाई दे रही हैं और असम की बातों से भी लग रहा है कि वो लड़ाई से परेशान हो गए हैं। अब बता दें कि इसके अलावा हिमांशी खुराना ने रमज़ान की शुरुआत होने पर सभी को मुबारकबाद भी दी है और हिमांशी ने अपने बेहद खूबसूरत फोटो को पोस्ट कर फैंस को बधाई दी है। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि असम का इस फोटो पर क्या कमेंट आएगा। असम ने हिमांशी की फोटो पर अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।